आप सभी का सबसे तेज खबर साउथी चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर साउथी जनपद के थाना क्षेत्र इकौना इलाके के बस स्टॉप से है, जहां पर नवनिर्मित बस स्टॉप पर एक महिला अपना डेरा जमाए हुए है। जब इसकी जानकारी मीडिया को हुई तो यहाँ पर पहुंचकर जानकारी ली गई। मीडिया के सम्मुख महिला ने बताया कि वो इकौना थाना क्षेत्र के ही गुलवरिया मझुआ सोमाल की निवासी है, जिसे महीनों पहले घर से भगा दिया गया था। तभी से महिला लगातार इधर उधर भटक कर जीवन यापन कर रही है। आपको बता दें, जहां पर एक तरफ योगी सरकार लगातार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इकौना इलाके से यह अहम हुआ खबर आपकी स्क्रीन पर, जहां पर एक महिला लावारिस हालत में इकौना के बस स्टॉप पर कल से ही बैठी हुई है। महिला का कहना है कि उसका काफ़ी पुराना विवाद है। महिला ने बताया कि उसकी शादी इकौना इलाके के गुलवरिया निवासी शख्स के साथ हुई थी। उसके दो बच्चे भी हैं। महिला ने बताया कि उसका नाम सीता देवी है और उसे उसके पति का नाम शिव शंकर है। उसे घर से भगा दिया गया, तभी से महिला इधर उधर भटक रही है और अपना जीवन यापन कर रही है। आपको बता दें, इकौना बस स्टॉप की ये तस्वीरें हैं, जहां पर बस स्टॉप पर महिला अपने सामान के साथ बैठी हुई है। महिला के पास लगभग 4 से 5 बैग और 2 बोरी सामान है और महिला गैस सिलेंडर तथा चूल्हा लेकर यहां पर बैठी हुई है। महिला ने बताया कि उसके 2 छोटे बच्चे हैं, जिन्हें ससुरालियों ने अपने पास रख लिया और महिला को भगा दिया। ऐसे में महिला दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इकौना बस स्टॉप शाम होते ही शराबियों का अड्डा बन जाता है। यहाँ पर भारी तादाद में लोग पहुँचकर नशे का सेवन करते हैं। ऐसे में महिला की इज्जत और सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल है। देखना यह होगा कि इस महिला कि कौन मदद कर पाता है तथा महिला कैसे अपने सुरक्षित जगह तक पहुंच पाती है। महिला से जब बातचीत की गई तो उसने साफ शब्दों में बताया कि कई महीनों पहले उसे घर से मारपीट कर भगा दिया गया, उसके बच्चों को भी ससुरालियों ने रख लिया। ऐसे में महिला परेशान है तथा इधर उधर भटक रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कल शाम से ही महिला इकौना के बस स्टॉप पर रुकी हुई है। जब इसकी जानकारी सबसे तेज खबर साउथी चैनल को हुई तो चैनल की टीम ने वहां पहुंचकर महिला से बातचीत की। महिला ने क्या कहा, सुनिए महिला की ही जुबानी। 2.5 साल से हम रही थे, शीतला मंदिर में तुमसे बताई थे, सब हमका दीन ली नहीं, कपड़ा लगता सब वहा धैर्य बैठन, बड़ा मुसीबत हमका दे दीन है जान लो। कहाँ घर है? अरे हमारा तो घर है गुलोरिया। गुलोरिया? हाँ गुलोरिया। गुलोरिया मझुआ? मझुआ। तो यहाँ ये सामान वामान लेके बस स्टॉप पे काहे पड़ी है? अभी मजबूरी पड़ी है, आदमी उनका लाइन नहीं जाते है घर। आदमी कहाँ है? आदमी गुलोरिया है, मझुआ गुलोरिया। आप सुनी तो परदेश गवाह है, इतना बारिश रहा तमाम एक ही, लेकिन तो तब वो हम जान लो की कहूँ कटरा कहूँ इठिर कहूँ उठिर। यहाँ के दिन से पड़ी हो? यहाँ के दिन से हो? अभी कल ही से आन है, मंदिर में रहन है। कौन मंदिर? अरे हुआ, अरे समरी तो हुआ से वही कहते यहाँ रुक जन हो कर तुमका हम 1-2 रोज रखबे को राखे। अब जाओ जहाँ जात हो बच्चा, तो कहा यहाँ रुक जन हो कर तुका कहाँ राखी अब। तो खाने नई एप्लीकेशन नहीं दी हो? सब कुछ दिन हम 4-4 दरखास्त में खारिज के दिन पचे न्यायालय भेज दिन। अभी है जान लो कि कम से कम 2-2.5 साल ऊपर बन जाते। तो घर से कब से गए अभी बाहर बाहर कब से रहा तू? कई महीने से? अभी जान लो कि महिला थाने से उनका घरे भेज तो दिन ना, न्यायालय से हमका बुला हुआ रहा। अभी न्यायालय नहीं गवा, महिला थाने लेके गवा तो बहुत विकट भय हो, से मार फिर खवाई से सास भय हो। आपके आदमी का नाम है? शिव शंकर। बाप नाम उनके? विद्या प्रसाद। गुलवदिया?
तो अभी समझ लो 2-2.5 साल से ऐसे है। अब बाहरी आदमी हमका बहुत बर्बाद करेंगे मिल गए। एक जने ये जो है इनके का नाम है ये सांसद जो गर्दन मिश्रा जो है उनके भतीज एक जने है वो बाहर निकले के बाद दिया कि तुम हमका फायदा कमाए। तुमसे बताई थे उनका भाई इन्हें दद्दन मिश्रा जो सांसद हैं इनका भतीज के रही समझ लो कि वो है।